वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज है 13th of January और सैटरडे, और आज हम जाएंगे ग्रोटो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज जा रहे हैं हम पिकनिक। तो आज हम सब टीचर्स जा रहे हैं पिकनिक के लिए। थोड़ी बहुत क्लिप्स बताएंगे आपको। अभी सुबह उठ गए हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर लिया है। अभी बना रहे हैं हमारा लेमन ड्रिंक, मस्त गर्म पानी निकाल रही है। और हमारे पिकनिक के लिए बन रहे हैं आलू के पराठे। ये मैडम बना रहे हैं आलू के पराठे, बनना चालू भी है। ये है कल ही पूरी तैयारी कर लिए थे, तो आलू के पराठे चालू हो गया है। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं आपको रेडी होने के बाद। हो गए हम मस्त रेडी, और ये हमारा टिफिन भी पूरा पैक हो गया है, टिफिन और वाटर बॉटल। और ये मैडम ने पैक की है, और ये भी वीडियो बना रहे हैं। इनका भी चैनल है, इनका भी चैनल है, तो इनका भी चैनल का लिंक हम शेयर करेंगे आपसे। तो इन्हें भी वीडियो बनाना चालू कर रहे हैं, आजकल व्लॉगिंग करना, पर ये मिनी व्लॉग्स बनाएंगे। तो अभी हम पूरा रेडी हो गए हैं बढ़िया, और अभी चलते हैं, निकलते हैं, क्योंकि 8 बजे तक हमको स्कूल पहुंचना है। अभी पूरे तैयार हो चुके हैं, और बस निकलने की तैयारी है। बस वगैरह भी आ गई है, और स्कूल पहुंच चुके हैं गैब्रियल सर, क्रिस्टोफर सर, और आप तो मेरे को जानते ही होंगे सर। आ चुकी है हमारी बसेस, और इन्हें फ्रूटी ले लिया, फ्रूटी भी लिया। कम से कम 4 बसेस है, 4 बसेस है। तो बैठते सर भी आ गए हैं, और क्रिस सर ने लिए हैं नए जूते, नए शूज, और नए शूज बहुत ही ज्यादा औसम लग रहे हैं। अरे आलो चंदी सर ऊपर। अभी हमारे सागर सर भी आ चुके हैं हमारे साथ, और हम पूरे बस में बैठ चुके हैं एक साथ। और ये रही बस, सीट देख के बस में बैठे, सीट बहुत ज्यादा अच्छी है। और वो एलन खड़ा है, अभी निकल चुके हैं, निकल चुके हैं, निकल ही रहे हैं। आगे वाले बसेस निकल रही है, हम बैठे हैं 3rd नंबर वाली बस में। ये हमारे स्कूल का कैंपस, और हम स्कूल से निकल रहे हैं। चुके हैं हम स्प्रिंग वैली के अंदर, और ऐसा नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर। पहले आउट बना हुआ है, और इधर भी अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर सामने से गेट है, अभी तो अच्छा दिख रहा है, बढ़िया ज़्यादा है। यहाँ पर पहुँच गए हैं स्प्रिंग वैली के अंदर, और अभी जा देख रहे हैं, कुछ अच्छा दिख रहा है क्या। ऐसे टाइप के बहुत सारे बंगले भी बने हुए हैं, और ये हमारे जैक भैया, जैक हमारे फ्रेंड। और ऐसा कुछ ब्यूटीफुल सा नज़ारा है, वहाँ पर पूरा लेक बना हुआ है बढ़िया, उधर साइड जो आप दूर वो देख रहे हो, वो बहुत बड़ा लेक है, वहाँ पर पूरा बोटिंग वगैरह होता है। और ये पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, और ये खड़े हैं हम यहाँ पर, और हमारी बस वहाँ पर खड़ी हुई है, टीचर्स की बस, और बसेज आ रही है। अभी मस्त संदल बज रहा हुआ है, और पूरी टीचर डांस कर रहे हैं बढ़िया एकदम जोरदार।
है छोटा सा अरे हमारे रॉबिन्सन शर्ट पहन के आए, हमने ग्रीन पहने और अंदर आके अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। ऐसे कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर बना हुआ है बंजी जंप, ये कुछ ऐसे बना हुआ है झूले वगैरह पूरे, और बहुत ही ज़्यादा मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है और क्लीनिनेस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ ऐसा बना हुआ है बैठने वगैरह के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अरे हमारी गैंग दिख रहा उसमें दिख रही दिख रहा सब आ रहे बराबर। और ये यहाँ पर कोई एडवेंचर की चीज़ें बनी हुई है, मैंने सब चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक बनी हुई है कि ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर कुछ एडवेंट, ये तो हर हमको वाटर पार्क में देखना पड़ता है, देखने मिलता है। और जहाँ हम लोग आए यहाँ से सीनरी बहुत ज़्यादा औसम है, बहुत ही ज़्यादा, आप भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा औसम व्यू है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा औसम व्यू। और ये जो ट्रैक दिख रहा है, जो ट्रैक से चल रहे हैं हम, ये पूरा ऑल अराउंड ऐसे ट्रैक से घूम के आ रहा है वापस, क्योंकि ये यहाँ पर चलता है, यहाँ पर हॉर्स राइड होता है और यहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत चल रहा है। पर व्यू देखिए आप, व्यू बहुत ही ज़्यादा औसम व्यू। ये बढ़िया है पिकनिक का सबसे अच्छा इंजॉयमेंट, मस्त नीचे बैठो और पराठा बना के दिए थे मस्त, पराठा अभी आलू के पराठे खाएंगे हम लोग, बढ़िया। और एक बाइट खा सब बैठे हम लोग, सब बैठ के मस्त आलू के पराठे खाते हैं। अभी पहले अभी कर रहे हम ब्रेकफास्ट, मैडम इडली खाता है। अभी वहाँ से भीड़ भाड़ से हटकर हम दोनों सागर सर और मैं आए हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। और ये जो रास्ते से हम जा रहे हैं, पहले यहाँ से आए हम लोग इधर साइड से, वहाँ पर पूरा पुल वगैरह है और वहाँ पे डांस चल रहा है, और हम लोग जा रहे हैं इधर साइड जहाँ बोटिंग वगैरह है थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। अभी नाश्ता वगैरह कर लिए है तो वॉकिंग करके आते हैं, सब तो वहाँ बैठे हैं, इतने दूर आए हैं तो थोड़ा वॉकिंग वगैरह भी हो जाएगी और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर भी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ तरी सुंदर लग रहा है बहुत। और सागर सर ने पहने अपने न्यू वाले गॉगल्स, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइए। बहुत अभी थोड़ा उतर रहे हैं हम धीरे धीरे ऐसे एकदम हाथ पैर जोड़ जोड़ कर। पूरा स्लाइड है यहाँ पर, बढ़िया बैठ बैठ के उतरेंगे, रुक रुक कर रुक रुक के उतरेंगे धीरे धीरे। सागर सर ऊपर ही खड़े हैं। सागर सर भी उतर रहे हैं अभी, बढ़िया एक नंबर एडवेंचर कर रहे हैं यहाँ पर मस्त। हम तो उतर गए नीचे और जस्ट हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, शॉर्टकट जा रहे हैं हम, शॉर्टकट ट्रैकिंग करते हुए शॉर्टकट जा रहे हैं मस्त, पूरे जंगलों के बीच में से होते हुए ट्रैक करके जा रहे हैं। ट्रैक अच्छा लगता है, ट्रैक करके जाना, सिंपल सिंपल रास्ते तो रोड नागपुर में भी है, डिफिकल्ट रास्ता लेना पूरा आता है थोड़ा सा, थोड़ा एडवेंचर भी हो जाता है, बढ़िया। हाँ थोड़े बहुत तो जूते वगैरह ख़राब हो रहे हैं, कपड़े वगैरह, पर अच्छा लग रहा है, चल रहे हैं। पहुंच गया है रोड पर अभी, फाइनली पहुंच चुके हैं रोड पर। और हमारा बोटिंग उधर साइड है, बहुत दूर है यहाँ से, और ये पूरा जंगल है। अभी पहुंच गए हैं एक छोटी सी नदी के सोते में, क्योंकि ये पूरी सूखी हुई है, पूरी सूखी हुई है, और हम लोग मस्त यहाँ से पैक करके जा रहे हैं, बढ़िया ये पूरा सूखा हुआ है। से धीरे 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 ट्रैक करके जा रहे हुए, बढ़िया। ये वही पेड़ है जिसकी पत्तल बनती,
क्या बनती? पत्तल लेने? खाना खाने की पत्तल नहीं बनती है। अच्छा अच्छा प्लेट प्लेट इसी पेड़ की बनती है। इसके पत्ते तोड़ दे, उसको मिला मिला के जोड़ जोड़ के बनाते। अभी पहुंच चुके हैं हम बोटिंग एरिया में। ये कुछ ऐसा दिख रहा है बोटिंग एरिया, यहाँ पर ये टेंट बना हुआ है, वेटिंग एरिया है। ये वेटिंग एरिया है और यहाँ मिलता है पूरा सेफ्टी का सामान, सेफ्टी जैकेट मिलता है यहाँ पर, और वहाँ से जाना पड़ता है बोटिंग के लिए। पर ये कुछ ऐसा लेक बना हुआ है छोटा सा, कि बारिश में यह बहुत ज़्यादा भर जाता रहेगा, बारिश में बहुत ज़्यादा भर जाता रहेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। अभी हम लोग ने पहन लिया है लाइफ जैकेट सबने और जा रहे हैं बोटिंग के लिए। अब देखते हैं किस किस पर फूटिया को डूबता है। जा रहे हैं बोटिंग के लिए, पहन लिया मस्त लाइफ जैकेट, जा रहे हैं हम सब। मनीष भैया, मैं, विनोद भैया, बोलो चलो जा रहे हैं अभी मस्त बोटिंग के लिए। चलो फोटो नहीं ले। और हम सागर सर भी है, सागर सर भी हमारे साथ, यूट्यूब में आएगा, ये सब चीजें देखना। चलिए मस्त बोर्ड में एक नंबर, और चालू हो रही है हमारी बोर्ड। नहीं है वो जंगली, छोटा सा बॉम्बे बटिंग करा रहा हूँ, उधर सबसे चालू करे थे। और ये बनाना राइड है, ये वो डेंजरस राइड है, अपनी है ये पानी। एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया एकदम। जो आसपास का इलाका है ये पूरा जंगल है, और बताया जाता है कि यहाँ पर जानवर आते हैं, यहाँ पर काइकिंग भी होती है। आपको दिख रहा है ये काइकिंग के लिए है। हम सागर सर को कन्विंस कर रहे हैं, पर ऐसा है अगर बीच में हम गिर गए डूबेंगे तो नहीं, लाइफ जैकेट पहने हैं, पर हमारे कपड़े पूरे गीले हो जाएंगे और मोबाइल भी गीले हो जाएंगे, इसलिए सोच विचार चल रहा है थोड़ा सा। बाकी हो कर रहे हैं लोग, अब बताओ किधर साइड करने का है, घूमने के लिए इधर साइड, उसे इस साइड, हां इधर मारो, इधर ये लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड के साथ जो बैठ सकता है, नहीं जो मारो तुम, बच्ची कूदी अभी आओ तुम, जो दूसरा मारो वो सीधे इधर निकालना, मारो इससे सिंगल ये बनाना डालने का YouTube पे। प्लीज बनाना, देखो कैमरे में हाथ मत रखना, कैमरा इधर से। अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम काइकिंग करने के लिए।
लेफ्ट जाने के लिए राइट मारना पड़ेगा, राइट ले ले। पूरा डिल्ला हो गया। पूरा डिल्ला हो गया। तू? अभी नहीं ना, पूरा पूरा पानी है भैया। पूरा क्या कर दिया? उतरो उतरो। ये पूरा डिल्ला कर दिया भैया। पूरा डिल्ला कर दिया तेरा। उतारो। ये खाली करो इसको। तुम्हारी नरिया तो निकली भी नहीं थी कमर में। ऐसे ना सीधा बैठ रहो, सीधा बैठ रहो, सीधा बैठ रहो। हाँ जा रहे हैं, चल रहे हैं, चलो। अच्छा लग रहा है, क्या करूँ? कुछ मत करना, इधर का डालो पानी के अंदर, इधर का चप्पू पानी में डालो। सर तुम्हें डरे हुए लग रहे हैं, एक्सप्रेशन खुशी वाले तो डर चेहरे पर डर। कंटिन्यू भैया, फार भैया पहले इधर का मारो ना, इधर का ही मारो जैसा मारो। मारो और मारो, अभी दोनों मिला के मारो। चलो अभी पूरा कायाकिंग वगैरह और बोटिंग हो चुका है, जैसे आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। अभी जा रहे हैं वापस, और वही अभी हमको हाइकिंग के लिए गैब्रियल सर ने भी ज्वाइन कर लिया है, और जा रहे हैं सब, और हम जा रहे हैं सब जा रहे हैं ट्रैक्टर से, और हम जा रहे हैं पैदल 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 पैदल। बढ़िया, धीरे धीरे खाना हजम हो जाएंगे, और फिर उसके बाद करेंगे जाके लंच, जाके करेंगे लंच। और हमको जाना है वहाँ, वो घर के उधर साइड है ना, बोर्डिंग का साइन। अभी हमको श्याम सर ने भी ज्वाइन कर लिया है, बढ़िया। और ये कुछ ऐसा एरिया है, यहाँ से भी रास्ता जाता है, और ये पूरे पहाड़ों के बीच में, और अभी यहाँ से जाएंगे हम ट्रैकिंग करते हुए ऊपर। यहाँ से रास्ता है, यहाँ से चलते। मनाली बस अभी चालू कर दिए है, और चालू है पहाड़ों को देख के मनाली की बात, क्योंकि मनाली में गिर नहीं रही है बर्फ, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक के कारण पूरा जाम कर दिए थे लोगों ने। हालत तो थोड़ी खराब हो रही है हमारी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया हम लोग ने, और ऐसे कुछ हम कोशिश कर रहे हैं। और ये ट्रेल से होते हुए बढ़िया जा रहे हैं, और हमारे पीछे सबके सब बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है थोड़ी सी, पर कोई बात नहीं, मेहनत का फल मीठा होता है। ऊपर जाएंगे लंच के लिए, और वहां जाके कुछ मीठा खाएंगे, और थोड़ा सा रेस्ट। ये हमारे आ रहे हैं रोमियो सर, अपना टारगेट कंप्लीट करते हुए। अरे बाप रे, जो है टारगेट अचीव हो गया। अरे यहाँ से और ऊपर जाना पड़ेगा, ये है हमारी मंजिल। अभी स्प्रिंग विला के अंदर जा रहे हैं,
थोड़ा एक्सप्लोर करके आते क्या है। यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है, और हम जाएंगे ऊपर और ऊपर से देखेंगे ऊपर में क्या है। ये छोटा सा स्विमिंग टैंक बना हुआ है और ये ऊपर ब्यूटीफुल सा यहाँ से नज़ारा देखो, क्या ऑसम नज़ारा, एकदम ऑसम, एकदम ऑसम नज़ारा है, दूरदार। और वो उधर साइड दिख रहा है, पूल एरिया है उधर साइड। ये पूरा बोर्ड लगा हुआ है कौन कौन स्कूल और कौन कौन इवनिंग टू मॉर्निंग है, इवनिंग आया है। और ये कुछ ऐसा एंट्रेंस है यहाँ का, और ये है टिकट काउंटर। कुछ बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं, और ये लिखा हुआ है इसका पूरा टाइमिंग वगैरह, कितने टाइमिंग से कितने टाइमिंग तक रहता है, कितनी शेड्यूल, फ़ोन करके आप बात कर सकते हो। अंदर आते ही कुछ ऐसा दिखता है माहौल यहाँ का, अरे केपीएस सर हमारे गेम के ऑर्गेनाइजर इस बार सूची मैम है, सिंडला मैम है, सब बैठे हैं यहाँ पर, बढ़िया। हम भी यहाँ पे बैठे हैं मस्त आराम से, गेम खेलेंगे अभी थोड़ी देर में। जो गेम हम खेलने वाले हैं उसका नाम है चेन अंताक्षरी, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, वो वर्ड। उधर साइड तो पूरे टीचर्स का गेम चल रहा है, क्रिस सर और मैं आए हैं यहाँ पर, थोड़ा बैल मंडी है, गोला सवारी। अभी आ गए हम एडवेंचर पार्क में, एंट्री हो गई है हमारी, और ये सब है यहाँ पर, बढ़िया। ऊपर तैयार हो गए हम बॉल के आइनिंग के लिए, तीन एडवेंचर एक्टिविटीज करेंगे हम। हो गई, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस थी, अजीब से लग रहे रहेंगे हेलमेट पहन के, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कैसे अपने हमारी शूटिंग करी है,
रुक जाओ, उसको उतार रहा हूँ मैं। ये है रोमियो। ज़्यादा मस्त एक्सपीरियंस रहा है, ये दूसरी बार ट्राई करें पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। सेफ्टी के हिसाब से भी पूरे नए हार्नेस वगैरह है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगा, बहुत ज़्यादा ऑसम लगा। अभी हो गया है हमारा सब कंप्लीट, अभी जाएंगे हम आर्चरी के लिए और जैक। हो गया है हमारा सब एडवेंचर वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया हमने। ये सब चीज़ें तो नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें तो आसान दिखती है पर आसान है नहीं, दो तीन चीज़ें जो करना था वो कर लिए। ये कुछ ऐसे भी बने हैं बच्चे लोग के लिए, पूरा मिलिट्री ट्रेनिंग जैसा, नाम भी लिखा हुआ है इसमें सब। और ये स्टाफ इनका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। ये जा रहे हैं हम थोड़ा आर्चरी के लिए, क्योंकि आर्चरी का भी है यहाँ पर और राइफ़ल शूटिंग का, राइफ़ल शूटिंग भी चालू है, दोनों के लिए जा रहे हैं। ये इधर साइड वाला है राइफ़ल शूटिंग का और उधर साइड वाला आर्चरी जो क्रिस सर कर रहे हैं हमारे, और हम करेंगे भैया के पास से राइफ़ल शूटिंग। भैया है क्या राइफ़ल शूटिंग चालू है? हम करेंगे भैया के पास राइफ़ल शूटिंग, हमारी बंदूक बना रहे हैं राइफ़ल शूटिंग के लिए। और ये रही हमारी बंदूक, वीडियो बना ना भैया। और हम आ गए अभी राइफल शूटिंग के लिए हमारी गन। कैसे करते हैं इसको? कुछ मारो मारो, कुछ नहीं ऐसे, कुछ टेक्निक पकड़ के जैसे मूवीज में दिखाते वैसा ऐसे। हाँ नीचे उसका हाथ नहीं, दूर रखो ना, नहीं लगाए कि नहीं नागपुर भैया? हाँ भैया नहीं लगा ना? नहीं, हमने पूरा पंचआउट कर दिया, एक गोली वेस्ट कर दी हमने, और एक गोली डाल के देंगे एक और एक गोली। और भैया से रिक्वेस्ट करेंगे हम एक गोली डाल के, तो भैया आप यूट्यूब में आएंगे ठीक है, मेरा चैनल है। अभी एक और दिया है भैया ने, और भैया हमारी वीडियो निकालने में हेल्प कर रहे हैं। लगा भैया? नहीं नहीं, आवाज आती है, लगा दो। हाँ हो गया, पूरा बेकार हो गया क्या? कौन से नाम से यूट्यूब चैनल? मेरा रोमियो पॉल व्लॉग्स। हमारे हमारे चैनल का नाम बता दिए भैया को सब्सक्राइब करने के लिए। अभी हम जाएंगे आर्चरी की तरफ। सर आपने की आपकी हो रहा हूँ करो ना करो ना करे नहीं एक भी लेने का। हिंदी में क्या बोलते इसको? तीर कमान। तीर कमान, और इंग्लिश में बोलेंगे आर्चरी। आर्चरी के लिए आ गए हम, और ये आपको जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ये खींचने में बहुत दिन की प्रैक्टिस भी लगती है। टारगेट है लाता भैया मला पीछे से लेता उधर से, एक हाथ तो मारूंगा पर मैं। पूरे टीचर लोग बोल रहे हैं देखो इसका मालूम है खींचने वाला था एक है कि नहीं अपने पास रोमी सर। अभी दूसरी बार निशाना लगाएंगे, जैसे वो रामायण में बताता हो हम तो वैसे कर नहीं सकते, अर्जुन की आँख पे नहीं मार सकते, मछली की आँख पे, मछली की आँख पे मार नहीं सकते हैं, पर हम ट्राई करेंगे मारने के लिए। अरे पहली बात तो भैया खींचने के लिए कुछ बोलो, दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट टाइम, अभी नहीं लगा, कभी नहीं लगेगा। तो फिर कभी नहीं लगना, ताकत बहुत लग रही। यस टारगेट मार गया। जैसे आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि हमने हमारा एक तो आर्चरी का शॉट लग गया, उससे बहुत ज़्यादा खुशी है हमने को, क्योंकि लगता है इजी पर है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि नहीं क्रिस सर? लगता है इजी है बहुत ज़्यादा है,
है ना, कोई भी चीज़ करने में इजी लगती है, पर चीज़ें जब हम करने जाते हैं तो वो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है। हमारे रीफ सर जो मेन ऑर्गेनाइजर है आज के पिकनिक के, थैंक यू रीफ सर, बहुत अच्छा गया पिकनिक, पहली बार मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हमने राफ्टिंग में सबसे ज़्यादा इंजॉय किया आज के दिन, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने एडवेंचर की, सब रीफ सर के कारण। थैंक यू रीफ सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग द पिकनिक। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। अभी कर रहे हैं एंडिंग का हाई टी और कुछ स्नैक और चाय के साथ, और अब जा रहे हैं हम लोग सीधा वापस स्कूल और घर, क्योंकि हो गया है पूरा पिकनिक ओवर। तो चलते हैं अब डायरेक्ट स्कूल में चाय पीते, और चाय बहुत ज़्यादा ऑसम है। अभी हो गई है पिकनिक वगैरह सब खत्म और जा रहे हैं हम घर की तरफ। क्रिस्टर और मैं बैठे हैं सामने वाली सीट पे, हम न्यूज़ देखते देखते जा रहे हैं घर। बढ़िया अभी आ गए हैं हम दो तो विजिट करने के लिए, क्योंकि सैटरडे है और सीधा स्कूल के पिकनिक खत्म होने के बाद यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आके हम लोग भी पिकनिक।